मुंबई वर्ल्ड एक्सीडेंट के मामले में अब फिलहाल बीएमसी भी अपनी नींद से जागी है। मेरे पीछे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वही पब है, बार है तापस करके, जहां पर 6 तारीख की रात को वो जो लड़का है जो आरोपी इस मामले में बनाया गया है मिहिर शाह, वो यहां पर आकर पार्टी करता है। अब उस वक्त उसने शराब पी या नहीं पी, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन एक बिल बना है जो जो बिल की कॉपी इस वक्त पुलिस के पास है। तकरीबन 18,000 रुपये का जो बिल उस वक्त बनाया गया था, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ब्लड सैंपल्स के लिए जा रहे हैं फिलहाल। खैर ये बात पुलिस की नज़र से हुई, पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी, कल्पेबल होमिसाइड का मामला इसमें दर्ज कर लिया है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो बीएमसी है उसकी नींद यहाँ पर जागी है। ये जो आप देख रहे हैं टूटा फूटा स्ट्रक्चर, ये वही तापस जो बार एंड रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आकर उस लड़के ने शराब पी थी। अब बीएमसी का ये कहना है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वो इलीगल था, और ये बोलकर बीएमसी ने अब यहाँ पर कार्रवाई करी है। इससे पहले इसके ऊपर इसको सील कर दिया गया था, ये बोलकर कि यहाँ पर 25 साल से कम उम्र के लड़कों को शराब परोसी गई। इस मामले में मिहिर शाह की जो उम्र है वो 25 साल से कम है। तो अब यहाँ पर तो जो तोड़क कार्रवाई है, आप देख सकते हैं कैमरे में इस वक्त आपको वो बुलडोजर दिखाई दे रहा है, पुलिस के आला अधिकारी लोकल पुलिस स्टेशन के, वो भी यहाँ पर सिक्योरिटी के मद्देनजर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और पूरे बंदोबस्त के बीच में ये पूरी कार्रवाई हो रही है। जो सवाल है यहाँ पर यही बनता है कि ये बार आज से नहीं है, ये जो इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ ये आज का नहीं है, तो अब जब ये पूरा मामला सामने आया और उसमें इन्वॉल्वमेंट निकल के आया, तब कार्रवाई बीएमसी क्यों कर रही है? ये कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी तो शायद जो डैमेज होता हो सकता था उसको बचाया जा सकता था, या कोई ऐसी घटना होने से रोकी जा सकती थी। के बच्चों को शराब पे परोसी जाने का जो मामला है, यकीनन तौर पर जब लाइसेंस दिया जाता है उस वक्त ये शर्त लगाई जाती है बार एंड रेस्टोरेंट को कि आप 25 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों को किसी भी तरह से शराब नहीं परोसेंगे। उसके बावजूद यहाँ पर ये जो इलाका है वो जुहू का इलाका आता है, बिल्कुल पास में अमिताभ बच्चन का बंगला आता है, और जुहू पुलिस स्टेशन भी बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, महज 300 से 400 मीटर की दूरी पर जुहू पुलिस स्टेशन आता है। फिर यहाँ पर खुलेआम इस तरीके से 25 साल के जो छोटे लड़के लड़की हैं उनको शराब क्यों परोसी जा रही थी, ये सवाल अब प्रशासन से भी बनता है। नहीं है, आप मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में जाएंगे, हमने मीरा भाईंदर में भी देखा था तोड़क कार्रवाई हुई थी, नियमों की अवहेलना हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही नियम तोड़ा जा रहा है कि 25 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनको शराब परोसी जा रही है, बल्कि जो टाइम लिमिट है उससे भी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, और ये तमाम वो चीज़ें हो रही हैं जिससे जो एक प्रॉफिट मेकिंग एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाती है, लेकिन उसके बीच में जितनी नियमों की अवहेलना हुई उसका नतीजा अब हम यहाँ पर होते हुए देख रहे हैं। अब ये केस जब सामने आया उसके बाद पहले पुलिस को इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और अब बीएमसी यहां पर आई है। नीलेश त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।